कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खूनीपुर में एक सोसाइटी से पैसे की लेन देन को लेकर शनिवार को उपभोक्ता और सोसाइटी के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। खूनीपुर स्थित लाइफ इंफो कॉरपोरेशन सर्विसेज सोसाइटी लिमिटेड नाम के इस सोसाइटी में कई लोगों ने पैसे जमा कराए थे। पैसे निकालने के लिए जब खाताधारक सोसाइटी पहुंचे तो उन्हें पैसा देने में डायरेक्टर ने आनाकानी करने लगा, जिस पर खाताधारकों ने विरोध दर्ज कराया। मामला कोतवाली पहुंचा, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने सोसाइटी के डायरेक्टर को अपने साथ लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी है। इस मामले में सीओ कोतवाली तारकेश्वर पांडे ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा, हमारे मोहल्ले में बैंक था, उन्होंने 3 महीने का वादा किया था कि मैं 30,000 रुपया दूंगा, मगर ये 7 महीना हो गया, बैलेंस नहीं दे रहे हैं। और ये महीने पे महीना लगाए, कह रहे मार्च क्लोजिंग है, अप्रैल में मिल जाएगा, फिर कह रहे अप्रैल में भी हो सकता है दे देंगे, और चेक अभी बेटा आया नहीं है, और मुंबई से आ जाएगा तो मैं तुमको दे दूंगा। ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका वो है, क्या कहता है, ब्रांच है। कितना पैसे जमा किया आपने? हमने 20,000 रुपये जमा कर दिया है, डेली जमा मैं करता था 200 रुपया डेली जी। लगभग कितने लोगों का होगा? लमसम 350 लोगों का अकाउंट खुला हुआ है। ये मतलब हमसे भी यही कहे कि पब्लिक में जाके, संजना जायसवाल एम्प्लॉई हैं, हम भी काम करते हैं, मेरी 7 महीने की सैलरी भी नहीं मिली है, और खाता धारक जो है उसको लोन भी कहे तो लोन भी नहीं दिए। 3 महीना कहे गए पब्लिक में, ये तुम शो कर दो कि 3 महीना मतलब खाता रेगुलर चलने पे 20,000 रुपया लोनिंग किया जाएगा। तो हमने ऐसा कहा सबसे, कई लोगों से, तो लोन ये दिए नहीं 3 महीने पे, तो लोग हमको मतलब पब्लिक हमको करने लगी कि हम तुम्हारे विश्वास पे खोले, हमको लोन चाहिए। तो 1-2 लोगों को मैंने लोन भी दिया, किसी को 10,000 और 1 लोग को 40,000 दिए लोन। आज क्या मामला हुआ? आज ये मामला है कि वो लोग हमारा पैसा भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं ये अपना पासबुक लो और जाके सर से अपना समझो, जहाँ हमारा काम लगेगा हम आ जाएंगे। 11 खाता मेरा है, मेरा 5 खाता घर का ही है। कौन कर रहा है? मेरा घर का खाता है, मतलब कौन कर रहा है? पैसा नहीं मिलेगा कौन खाता? वो खाता जो है उनको 8-8 महीना हो गया लोन नहीं मिला, तो वो कह रहे हैं कि हम आपसे बात करके आपका बात विचार दे के खोले थे खाता, इसलिए आप ये खाता पकड़िए, जहाँ कहेंगे हम साइन कर देंगे, आप जाइए समझिए, आप पैसा लीजिए, हम आपका पैसा काट लेंगे उसमें से। पैसा तो देंगे ना, जो आपका उसमें मेंबर है। हाँ, मेंबर उसके लिए। तो आप मेंबर देंगे, मेंबर सब आपके घर द्वार के लोग हमारे कस्टमर को दे दिया। आपने आपने पार्टी बनाई है, सारे मेंबर तो आपके परिवार के ही है, उनको लोन नहीं दिया जा सकता। किसको लोन? 10 लाख रुपये लोन। ये कहाँ तुम्हारा ये है? कितने लोगों से पैसा लिया यहाँ पे? टोटल और कितना रुपया इकट्ठा किए हो? 5-6 लाख रुपये क्या बता रहे हैं आप? समझ गया ना, हम आपको नहीं चल पाएंगे। इनकी सर्विसेज में क्या लिखा है? तो रिक्रूटमेंट करवाते हैं जी सर, जॉब कंसल्टेंसी का। हाँ हाँ, जॉब कंसल्टेंसी और वही तो कह रहा हूँ, जॉब कंसल्टेंसी का। हाँ, तो काम कहाँ करेंगे सर? मैं ये भी काम करता हूँ, मेरा काम कंसल्टेंसी का भी है। हाँ, कंसल्टेंसी का होगा, बैंकिंग का कोई काम नहीं है। और बैंकिंग में सर क्या काम है सर? सभासद भाग प्रदेश की कर्ज देने के लिए सब कुछ है इसमें सर, और हम सरकारी बोर्ड होती है, ये चीज़ आप दे सकते हो, कर सकते हो, अपने लोगों के बीच में कर सकते हो। नहीं सर, जैसे हम 20 रुपया देकर उनको सभासद बना देते हैं, उसके बाद उनको नहीं देते सर, लोन देते हैं, लोन देते हैं तो 500 रुपये से सभासद बना, फिर उनको लोन भी देते हैं। सही सत्य है, ये है मिस्टर सबूत, इनका 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 प्रूफ है, तो देखिए इनका इस पर लिखा वजीउल्लाह, और इनका दूसरा पत्र है मतदाता पहचान पत्र, इसमें इनका नाम है सब्बू,
और तीसरा है इनसे इन्होंने दिया अपने बहन का बैंक स्टेटमेंट। इनसे बोला गया था कि आप अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मुझे दीजिए, उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड की जाएगी। लगभग 10,000 कुछ रुपये इनका जमा है, उसके सामने इन्हें 30,000 रुपये देना था, परंतु इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स हमें इस तरह के पेपर दिए, मतलब कि पेपर आपका नहीं लग सकता है। उन्होंने आकर सुबह बोले कि बैंक भाग रहा। फिलहाल हमने जो है अब तक 205 डिपोजिटर्स बनाए, इसमें लगभग 50 डिपोजिटर को 5 से 6 लाख रुपये तक हमने लोन दिया। और लोन की जो देने की जो हमारी जो महाराष्ट्र सहकारी बोर्ड की जो प्रक्रिया है, पहले हम मेंबर बनाते हैं, सभासद बनाते हैं, और सभासद बनाने के बाद फिर उनका हम डेली अकाउंट्स ओपन करते हैं, फिर उस अकाउंट को 3 महीने तक हम चलाते हैं, कभी 4 महीना भी होता है, कभी 5 महीना भी होता है, उसके आधार पर हम उनके लोन देते हैं और दिए हैं बहुत से लोगों को। उसी मोहल्ले में बहुत से लोगों को लोन दिया, जिसने 9,000 जमा किया उसको 30,000 दिया, जिसने 15,000 जमा किया 60,000 दिया। ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जिनको मैं बाई फेस लाके में बाई फेस करा सकता हूँ, मतलब आप लोगों से मिला सकता हूँ। तो क्यों है आरोप लगा रहे हैं, इस तरह का हंगामा क्यों किए हैं लोग? एक्चुअली सर हंगामा करने वाले यही व्यक्ति हैं सर, कुछ अभी वहाँ बात हुई है भाई, जिसको पैसा उन्हें जमा कर वो अकाउंट अक्टूबर में बंद हो गया, और उसको पेमेंट देने के लिए हमारा 1 साल का प्रक्रिया है, 1 साल के बाद हम उन्हें पेमेंट करेंगे। उसके बावजूद भी हम आए सुबह कोतवाली में बैठे, मैंने बोला कि जो भी कस्टमर को जिन कस्टमरों को तकलीफ है उनका पेमेंट मैं डेफिनेटली देने के लिए तैयार हूँ, किसी भी कीमत में मैं पेमेंट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है यहाँ से पैसा लेके भागने की मुद्रा में कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो और एक अच्छा संस्था चले, और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जॉब प्रोवाइड करा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे दुकानदारों को मैं लोन प्रोवाइड करा सकूँ, ये मेरी मानसिकता है और इसी सोच को मैंने लेकर मैं आया, इसी सोच का मैंने जन्म दिया। नहीं, आपके पासबुक पे LIC का भी लेबल लगा हुआ है। LIC का लेबल है, तो मैं उसमें जो है हर कस्टमर को मैं चाहता हूँ कि उन्हें जो है 2 से 3 तरह का लाभ मिले। पहला लाभ उनका डिपॉजिट हो, दूसरा लाभ जो है उनका LIC से जो इनकम टैक्स रिवेट फाइल, मतलब इनकम टैक्स उनको रिवेट मिले, तीसरा जो है उनको ब्याज मिले, और एक विशेष लाभ जो मैं उनको देना चाहता हूँ, उनका जो जमा है 10,000 उस पर मैं 30,000 दे सकूँ, अच्छे कस्टमर है उसको मैं 50,000 दे सकूँ। इस मानसिकता को मैंने जन्म दिया और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश किया, और आज के डेट में मैं कर रहा हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामनिवास रामसवन जायसवाल है, मैं मुंबई से आया हूँ, लेकिन मेरा घर कप्तानगंज कुशीनगर में है। पुलिस के संज्ञान में कोई अभी तक प्रकरण आया है? मैं कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ऐसा जैसा आप बता रहे हैं। ये लोग बाहर से आए हुए हैं, जिनका कहना है कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये मनी बोरो करते हैं और साल भर की मैच्योरिटी के बाद उसको लौटा देते हैं, उसको मिनिमल इंटरेस्ट दे करके, मुश्किल से मतलब 1,000-2,000 रुपये साल लाना इंटरेस्ट दे करके प्रतिदिन कुछ पैसा लेते हैं, कुछ पैसा लेने के बाद लौटा देते हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं। इनके ऑपरेशंस में अभी साल भर पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब इन्होंने अभी बहुत कुछ लौटाया नहीं होगा, मगर इनकी कार्रवाई अभी संशय के घेरे में इसलिए है क्योंकि ये पहली बात तो आए हैं बाहर से, इनके पास बैंकिंग रेगुलेशंस के कोई प्रमाण पत्र नहीं दिख रहे हैं, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने की बात कर रहे हैं, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी यूजली मेंबर बेस्ड होती है, जनरल पब्लिक से उसका लेना देना नहीं होता, बट इनकी बोरोइंग्स जो है वो जनरल पब्लिक से है, तो हमें इसलिए थोड़ा संदेह है, जांच पड़ताल की जा रही है, आवश्यकता अनुसार पुलिस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।